अगर आपने मेरे चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गुड मॉर्निंग गाइस, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैप्सूल स्टेनिंग क्या होती है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैप्सूल स्टेनिंग की डेफिनेशन क्या होती है। कैप्सूल स्टेनिंग एक टाइप की डिफरेंशियल स्टेन होती है जो कि यूज करती है क्या चीज, एसिटिक और बेसिक डाई। किसके लिए? स्टेन करने के लिए। क्या चीज? बैकग्राउंड। किसका? बैक्टीरियल सेल का। एसिटिक डाई से हम क्या करते हैं, इसमें बैकग्राउंड को स्टेन करते हैं। किसके? बैक्टीरियल सेल के, ठीक है। और बेसिक डाई से क्या करते हैं, हम जो हमारा बैक्टीरियल सेल है उसको स्टेन करते हैं, जिससे क्या होता है, हम प्रेजेंस को पता करते हैं। किसकी? कैप्सूल की, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेन विच यूज एसिडिक एंड बेसिक डाई टू स्टेन द बैकग्राउंड एंड बैक्टीरियल सेल सो दैट द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल इज ईजिली अंडरस्टैंड। बेसिकली हम स्टेनिंग को क्यों करते हैं, इस वाली को, जिससे कि हम कैप्सूल को ईजिली पता कर सकें, मतलब उसकी प्रेजेंस को पता कर सकें। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमें पता है जो हमारा कैप्सूल है वो सिंथेसाइज होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। देखिए, कैप्सूल हमारा सिंथेसाइज कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर ये यहां से सीक्रेटेड किया जाता है कहां पे? सेल के बाहर सीक्रेटेड किया जाता है कहां पे? आउटसाइड द सेल। जहां पर कि ये क्या करता है, कवर करता है किसको? बैक्टीरिया को, मतलब कि जो भी सेल है उसको कवर करता है। ठीक है गाइस, ये हो गया अगला पॉइंट। इससे पहले मैंने आपको बताया था ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, वहां पे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। अगला पॉइंट है, हमारे जो ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो कि कैप्सुलेटेड होते हैं, उनकी जो कैप्सूल है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो मिलकर बनी होती है किससे? पॉलीसेक्राइड से। तो एक नंबर में ये चीज काफी पूछी जाती है कि जो हमारे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं, उनकी जो कैप्सूल है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो आप क्या कहेंगे? पॉलीसेक्राइड से, ठीक है गाइस। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनकी जो कैप्सूल है वो किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड से या ग्लाइकोप्रोटीन से। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो हमारी कैप्सूल है वो किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया अगला पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में ये पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट जान लिए और उसकी डेफिनेशन जान ली। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे कैप्सूल होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किससे? वायरुलेंस फैक्टर से, मतलब कि वायरुलेंस एक्टिविटी से। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। यहां पर ये क्या करते हैं, कैप्सूल को रेसिस्ट करते हैं किससे? फेगोसाइटोसिस से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल किसके, कैप्सूल स्टेनिंग के, कि इसका क्या प्रिंसिपल होता है, जान लेते हैं इसका प्रिंसिपल। हमें पता है कि जो हमारा बैक्टीरियल कैप्सूल है वो नॉन आयोनिक होता है। नॉन आयोनिक का मतलब होता है ना तो एसिडिक डाई और ना ही बेसिक डाई क्या कर सकती है, स्टिक कर सकती है। किस पे? सरफेस पर। आई बात समझ में? नॉन आयोनिक का मतलब है ना तो कोई भी एसिडिक डाई ना कि बेसिक डाई सरफेस पे जाके स्टेन कर सकती है। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या रहता है कि हम बैकग्राउंड को स्टेन कर देते हैं, किसकी मदद से? एसिडिक डाई की मदद से हम क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड को स्टेन कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। और बेसिक डाई की मदद से हम क्या करते हैं,
बेसिक डाई की मदद से करते हैं हम बैक्टीरियल सेल को स्टेन, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एग्जाम्पल हम यहां पे क्या लेते हैं, मतलब किससे हम स्टेन कर सकते हैं, वो है हमारा क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, सैफ्रेनिन एंड बेसिक फुस्चिन। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आपको रिक्वायरमेंट्स की बता देता हूँ कि कैप्सूल स्टेन में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है। रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, 16 से 48 घंटे वाला कल्चर, वो भी किसका, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का, 16 से 48 घंटे वाला कल्चर, किसका, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का, ठीक है। दूसरा हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी, वो होता है हमारा स्टेन सॉल्यूशन, मतलब कि कौन कौन सी डाइज। पहला हमें चाहिए होता है क्रिस्टल वायलेट, दूसरा रिक्वायरमेंट होती है इसमें इंडिया इंक, ठीक है, तीसरी रिक्वायरमेंट होती है बेसिक कार्बन फुस्चिन, ठीक है, चौथा में रिक्वायरमेंट होती है वो होती है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, और इसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तीसरा माइक्रोस्कोपिक स्लाइड की, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड चाहिए होती है हमें, ठीक है, चौथा में रिक्वायरमेंट होती है गैस बर्नर की, पांचवा होती है हमें टिश्यू पेपर की, छठी रिक्वायरमेंट होती है इमर्जन ऑयल, और आप कह सकते हो माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये बात होगी रिक्वायरमेंट की। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो हमारी कैप्सूल स्टेनिंग है उसको हम कई सारे मेथड से करते हैं, मतलब कि कई सारे मेथड की मदद से हम पता करते हैं किसकी प्रेजेंस को, किसकी प्रेजेंस को, कैप्सूल की प्रेजेंस को। ठीक है, तो उसमें जो दो कॉमनली मेथड है वो पहला है अपना इंडिया इंक मेथड, इंडिया इंक मेथड, ठीक है गाइस, दूसरा मेथड है अपना वो है हमारा एंथनीज स्टेन मेथड, एंथनीज स्टेन मेथड। तो ये दो कॉमनली मेथड होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए, कैप्सूल की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा एंथनीज स्टेन मेथड है उसमें जो हम प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं वो होती है हमारी क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, और एक और चीज है उसमें हम 20% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं जो कि एक्ट करता है किसके तरह, काउंटर स्टेन की तरह और डीकलराइजिंग एजेंट की तरह। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको सबसे पहले क्या बताता हूँ, प्रोसीजर बता देता हूँ किसका, इंडिया इंक मेथड का, ठीक है गाइस, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं कैप्सूल स्टेनिंग का क्या प्रोसीजर होता है, और जो हम कैप्सूल स्टेनिंग प्रोसीजर यहाँ पे बता रहे हैं वो बता रहे हैं थ्रू इंडिया इंक, ठीक है ना। अब जान लेते हैं इसका क्या प्रोसीजर। सबसे पहला पॉइंट है, मतलब सबसे पहला स्टेप है इसमें, वो ये है कि इस प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इंडिया इंक है उसकी एक सिंगल ड्रॉप लेते हैं, किस पर, क्लीन स्लाइड पर। पहला स्टेप है हमारा इंडिया इंक लेंगे हम कहां पर, क्लीन स्लाइड पर, मतलब इसकी एक ड्रॉप लेनी है, ठीक है, क्लीन स्लाइड, ठीक है, ये हमारी पहली स्टेप थी। तो स्टेप है इसमें वो ये है कि जो हमारा कल्चर है किसका, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का, जो कि 16 से 48 हावर रखा हुआ है, उसको हम लेते हैं किसकी मदद से, इनोकुलेटिंग लूप की मदद से, ठीक है, इनोकुलेटिंग लूप की मदद से हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। दूसरी स्टेप में हमने क्या किया है,
कल्चर को लिया है बैक्टीरिया के, ठीक है, किसकी मदद से, इनोकुलेटिंग लूप की मदद से, ठीक है, जो कि हमारा 16 से 48 आवर पुराना है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, मिक्स किया है किसके साथ में, इंडिया इंक के साथ में। ये हमारी होगी दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, एक और क्लीन स्लेट लेते हैं, उसको ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग स्लेट के बराबर में रखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक ड्रॉप स्प्रेड आउट करते हैं क्लीन स्लेट से होकर, ठीक है, किसके ऊपर से, फिल्म के ऊपर से, मतलब कि बैक्टीरिया कल्चर के ऊपर से। और ये सब किसकी मदद से होता है, कैपिलरी एक्शन की मदद से। अगला स्टेप है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लीन स्लाइड को रखते हैं किसके बराबर में, अपनी जो हमारी ऑलरेडी बैक्टीरिया फिल्म स्लाइड है उसके बराबर में, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एक ड्रॉप डालते हैं, वो ड्रॉप हमारी कहाँ होके जाती है, बैक्टीरिया फिल्म स्लाइड से होकर। और ये सब किसकी मदद से होता है, कैपिलरी एक्शन की मदद से। ये हमारी है तीसरी स्टेप, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं चौथी स्टेप की। फिर जो हमारी फिल्म है उसको हम क्या करते हैं, ड्राई होने देते हैं, ठीक है, और इसको हम ड्राई होने के लिए टाइम देते हैं 5 से 7 मिनट का, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, जो हमारी फिल्म वाली स्लाइड है, मतलब जहाँ पे हमारा बैक्टीरियल कल्चर है, उसको हम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब उसको ड्राई होने का मौका देते हैं, मतलब कि उसको सूखने तक के लिए छोड़ देते हैं। ये होने के बाद में ये हमारी होगी चौथी स्टेप, ठीक है। और एक और चीज है, यहाँ पे हमें हीटिंग नहीं करनी है ड्राई के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना। फिर हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड है उसको सेचुरेट करते हैं किसकी मदद से, क्रिस्टल वायलेट की मदद से। क्रिस्टल वायलेट की मदद से हम क्या करेंगे, जो हमारी स्लाइड है उसको सैचुरेट करेंगे, ठीक है। और वो कितनी देर के लिए कर देंगे, 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये करने के बाद में हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को काफी जेंटली, ये हमारा पांचवा स्टेप है, छठा स्टेप है वो ये है कि हम अपनी स्लाइड को काफी जेंटली वॉश करेंगे, वॉशिंग। वॉश करने के बाद में हम क्या करते हैं, अगली स्टेप हमारी जो कि सातवीं है, अपनी स्लाइड को एयर ड्राई होने देते हैं, मतलब कि कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि हमारी स्लाइड सूखी हो जाए। फिर इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ये हमारी सातवीं स्टेप है, ठीक है। अब ये सारी हो गई प्रोसीजर, अब मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन जो कि हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे वो हमें क्या मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रिजल्ट के बारे में। जब हम उस स्लाइड को क्या करेंगे, एक माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे ना, तो हमें पर्पल कलर के सेल दिखेंगे जो कि सराउंड होंगे हेलो से, और बैकग्राउंड जो होगा वो काफी डार्क होगा, और जो हमारा हेलो है वही हमारा कैप्सूल है, ठीक है गाइस। मैंने क्या बताया, जब भी हम अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें पर्पल कलर के सेल दिखेंगे, ठीक है, जो कि सराउंड होते हैं किससे, हेलो से, मतलब कि कलरलेस हेलो होता है, ठीक है, और वहां पे एक डार्क बैकग्राउंड भी दिखेगा, ठीक है। और ये जो हमारा हेलो है यही हमारा कैप्सूल होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हो गया इसका रिजल्ट। और ये बात कर ली हमने कैप्सूल स्टेनिंग की, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर प्रोसीजर है जो हमने बताया यहाँ पे, वो इंडियन इंक वाला बताया। अगला जो प्रोसीजर है एंथनी स्टेन मेथड, वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको।